नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સ્પેશિયલ રિપોર્ટ સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ દોળકિયા। पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया बाद पाकिस्तान ना प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार टीवी पर लाइव आया। इमरान की नजर में सेना पण तेमनी दुश्मन है, विपक्ष तो तेमनु दुश्मन है ज, अमेरिका पण तेमनु दुश्मन है, छता पण इमरान खान ना आत्मविश्वास नो वात ज न पूछो। आत्मविश्वास थी छलो छल छे, केम के इमरान खान ने पोतानी बेगम बुशरा पर खूब भरोसा है, जेनी चर्चा आखा पाकिस्तान में है। इमरान की खुर्शी बच्चे तो बुशरा ना कारणे ज बधाने सवाल थाय छे के बुशरा पाछळ कई शक्ति छे, आखरे बुशरा बेगम ना ब्लेक मेजिक नु सत्य शुं छे। बुशरा बीवी काळो जादू करे छे। बुशरा बीवीए बे जिन पाळ्या छे। अर्धी रात्रे बुशरा तंत्र मंत्र करे छे। इमरान ना घर में तावीज अने तंत्र मंत्रनी जाळ। इमरान नी त्रीजी बेगम बुशरा बीवी ने लई पाकिस्तान माथी जे समाचारों आवी रह्या छे ते चौंकावनारा छे। इमरान खान विरोधी छावणी में बुशरा बीवी ने लई जे दावा थई रह्या छे तेमा अदृश्य शक्तिओ अने आत्माओनो उल्लेख करवामां आवे छे। इमरान खान नी बेगम नी मायाजाळ। मैं खान साहब आते हैं, खान साहब सो जाते हैं 12:30, 1:30 के करीब। उसके बाद मैं अपनी बुक्स पढ़ती रहती हूँ या कुछ इस तरह। मैं सुबह फिर सोती हूँ 5:30 या 6 बजे। इमरान नी ब्लैक मैजिक वाली बेगम नूर रहस्य। जी मैंने हजरत बीबी फातिमा को अर्ज की और फलां का काम हो गया। लेकिन ये इतनी गलत खबर है कि मैं खुद शीशे में खड़ी होकर अपने आप से सवाल कर रही थी कि अच्छा मैं बीबी फातिमा से बात कर सकती। केटलू साचू छे बुशरा नो जिन वाळो सीक्रेट। इतनी मुश्किल में खान साहब निकलेंगे तो अल्लाह का कोई बहुत बड़ा मुआजजा होगा। और मेरा ख्याल है जिस शख्स में लालच नहीं है ना, वो शख्स मुआजजा अल्लाह उसके हाथ से ज़रूर दिखाते हैं। मेरा ईमान है कि खान साहब हर मुश्किल हालात में से निकलेंगे, चाहे पोजिशन कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, खान साहब को कितना भी कर ले, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब को अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देंगे। इमरान ने ब्लैक मैजिक वाली बेगम नू रहस्य। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो इनका इल्म है वो मैं जिनसे भी का। इनका जो है वो उनसे आगे है। पाकिस्तान ना प्रधानमंत्री इमरान खान नी डोलती खुर्शी वच्चे इमरान नी त्रीजी पत्नी बुशरा बीवी नू ब्लैक चैप्टर फरी खुली गयु छे। खान साहेब नी मेम साहब अंगे नवी नवी वातो करवामां आवी रही छे। बुशरा बीवी नू नाम ब्लैक मैजिक साथे जोड़वामां आवी रह्यु छे। वज़ीरे आज़म के जिन्नात वो तकरीरियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की या चंबे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? रहस्यमय बातो थई रही छे, केम के चर्चा नियाजी ना तख्ता पलटनी थई रही छे, तेनाथी वधु चर्चा इमरान नी आ बेगम अने तेरी अदृश्य शक्तियों नी छे। जो इस्तलाह इस्तेमाल की उसका बराह रास्त ताल्लुक वजीर आजम के घर से है, यानी उन्होंने फरमाया कि जादू टोने के जरिए जो फर्दर ट्रांसफ़र पोस्टिंग है या नोटिफिकेशन का मामला है उसको देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही काबिले मजम्मत बात थी एक तरफ, और दूसरी तरफ से तो टेम्परेचर वैसे हाई था, तो दोनों तरफ से काबिले मजम्मत नहीं है बैरिस्टर साहब? ये काबिले मजम्मत है। आपने जिस अंदाज में मुझे ये बात आश्कार की है जी, मैं ये पहले ये समझा नहीं था, पर अब समझा हूँ कि वो किधर इशारा था। और प्राइम मिनिस्टर के घरेलू
रिश्तों के बारे में ये कहना, ये उनका भी बिल्कुल नामुनासिब नामुनासिब। પાકિસ્તાનમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે બુશરા બીવીના વ્યક્તિત્વ પર કાળા જાદુનો પડછાયો છે। દાવો તો તે પણ છે કે બુશરા પાસે બે જીન છે જેની મદદથી તે પોતાની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરાવે છે, ત્યાં સુધી કે પોતાના પતિ ઇમરાન ખાનને રાજકીય મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર કાઢે છે। તે જીનને પકાવેલું માંસ ખવડાવે છે। બનીગાલા મે જો અમર બિલ મારૂફ કી બાત કરતે હૈ, ये मैं आपको बला खौफ तर्दीद कह रहा हूँ, मनु मुर्गी के गोश्त को वहां जलाया जाता है। लोगों को आज दाल नहीं मिलती खाने के लिए, आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं, शीरखार और बनी गाला में जादू टूने के मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। I am saying this on record without any fear of contradiction। तो जो लोग रियासत-ए-मदीना की बात करते हैं उनको अपने गरेबान में झांक कर जाइए, जाके देखें आईने में अपना चेहरा। ये तो जो जादू टूना जो है, यानी कुरान हकीम में जिसमें इसके खिलाफ सख्त तनबीह की गई है, वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है बनी गाला में। ये मैं आपके आज प्रोग्राम में आज आपको ये दे रहा हूँ। बुशरा जाहिर में बहु ओछा देखाय छे, तेमनो कोई सोशल मीडिया अकाउंट नथी। बुशरा बुरखा में रहनारी कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नी पहली पत्नी छे। इमरान खान की त्रीजी पत्नी बुशरा बीवी हमेशा पर्दा में रहे छे। कईक आवोज पर्दो तेमनी साथे जोड़ायेला रहस्यों पर पण पड़ेलो छे, जेना कारणे बुशरा अने काला जादूनु सत्य आज सुधी सामे नथी आवी शक्यो। तेवामां बुशरा बीवीना रहस्य परथी पर्दो उठावो हशे तो पाकिस्तानमां जे वातो संभळाय छे तेना पर विश्वास करवो जरूरी छे। બુશરાના હાથમાં ઇમરાનનું રિમોટ કંટ્રોલ, ઇમરાન તેજ કરે છે જે બેગમ કહે છે, બુશરાના કહેવા પર કરે છે કાળો જાદુ, ઇમરાન બુશરાના હાથની કઠપૂતળી। બુશરા બીવીને લઈને કરવામાં આવેલા દાવા કેટલા સાચા છે અને કેટલા ખોટા તે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી થયું। પણ ઇમરાન ખાન માટે સૌથી કડવું સત્ય તે છે કે તેમની ખુરશી પર અવિશ્વાસની તલવાર લટકી રહી છે। કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઇમરાન પોતાની સરકાર બચાવવા માટે પોતાની બેગમના કાળા જાદુ પર ફરી વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે। બુશરા બીવી સાથે ઇમરાન ખાનની બહુ ઓછી તસવીરો સામે આવી છે। બુશરા બીવી મોટા ભાગે પોતાના બંગલામાં જ રહે છે, તો શું બુશરા સાચે જ કાળો જાદુ કરે છે? લોકો તેમના વિશે જેટલું વધારે જાણવા માંગે છે તે પોતાના વિશે એટલું જ ઓછું બતાવે છે। આજ સુધી બુશરાને એક જ વાર ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં જોવામાં આવ્યા છે। તો કહેતે કે મેરી વજહ સે ખાન સાહેબ મે તબદીલી આઈ, અસલ મે હમ દોનો કી વજહ સે એક દૂસરે મે તબદીલી આઈ। મેને ઉનકો બતાયા કે રબ સે ઇશ્ક કરકે ઇન્સાન કિતના સ્ટ્રોંગ હોતા હૈ, और उन्होंने मुझे सिखाया कि मखलूक की खिदमत करके इंसान के अंदर क्या चेंज आती है और वो अल्लाह से कितना ज्यादा करीब होता है। बुशरा बीवी नी रहस्यमय कहानी इमरान खान नी किस्मत साथे जोड़ायेली छे। बुशरा ना ब्लैक मैजिक ने लई एक थी एक चढ़ियाता दावा करवामां आवी रह्या छे, त्यां सुधी के इमरान खान ने सवाल करवामां आवी रह्या छे। इंटरेस्ट सिर्फ ये कि ये इनका जो दर्जा है मार्फत का, वो मैंने किसी का भी नहीं देखा। बुशरा बीबी का? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जितनी हरों के दर्जे होते हैं ना, हम डिफरेंट लेवल्स पे पहुंचे। अल्लाह ताला की कुर्बत का जो ये करीब है, मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा, तो मेरा इनसे ये ताल्लुक था। वोटर जाना चाहेंगे कि आपका जो उनसे एक रूहानी रिश्ता था, आप किस हद तक उनसे फैसला साजी में बात पूछते थे, जाती या सियासी जिंदगी? लोग कहते हैं इमरान खान सियासी फैसले भी उनसे पूछ के करते थे कि कब उन्होंने क्या करना है, कब नहीं करना। इतना मतलब बुशरा बीबी ज्यादा आपके ऊपर सवाल उठ रहा है कि आप इतना ज्यादा रूहानियत के ऊपर चलते हैं,
प्रैक्टिकल ये रूहानियत नहीं है, एक पीर फकीरी जो कहते हैं ना, पीर की फकीरी, आप बिलीव करते हैं कोई ताल्लुक नहीं। તે વાત પાકિસ્તાનનો દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે ઇમરાન ખાનના દરેક મોટા નિર્ણય પાછળ બુશરા બીવી હોય છે. ચહેરો ભલે નિયાઝીનો હોય પણ નિર્ણય બુશરા બીવીનો જ હોય છે. માટે દરેક ઇન્ટરવ્યુમાં ઇમરાન ખાનને અણગમતા સવાલ પૂછવામાં આવે છે. तो आपने लिया होगा ना, जिसको आप मुर्शिद पीर मानते हैं, जिनको आप रूहानी शख्सियत मानते हैं सर, उनसे उनसे मशवरा आप रूहानियत की तरफ लेते हैं, सियासी नहीं लिया आपने? मैं कई दफा जाके पूछता होता था उनसे, बैठता था उनसे, तो यानी ये कहना कि जी वो कोई यार पागलों वाली, उनको समझ नहीं है, वो समझते हैं ये जो पीरी फकीरी जो ये जो उल्टी सीधी चीजें हैं जो जो करते हैं, उनको समझ कह रहे हैं जी वो लाहौर का घर भी इसलिए गिरवा दिया, उन्होंने कहा था घर गिरवा दे आपकी सियासत को चार चांद लग जाएंगे अगर ये कर। ये भी और भी कहा, मैं गर्मियों में हो गया वो पहाड़ों पर गया हुआ, उन्होंने कहा जी वो उन्होंने कहा कि वो पहाड़ों पर चले जाओ. कहवामां आवे छे के पोताना इंटरव्यू में इमरान खान बुशरा बीवी अंगे जे कहे छे तेना करता वधु छुपावे छे. બ્લેક મેજિકની જે મિસ્ટ્રી છે, અદૃશ્ય શક્તિઓની જે વાતો છે, તેનું નિયાઝીની કિસ્મત સાથે કનેક્શન છે. શાદી આપને ઇસલિયે કી કે શાયદ આપકો કોઈ ख्वाब में कुछ ज़ियारत हुई थी या कुछ ऐसी बात हुई थी? बहुत माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ऐसी नहीं नहीं बातचीत आपने बड़ा अच्छा किया, ये आपने सवाल किया, मुझे था कि शायद आप ये ना करें. देखें, मुझे कभी भी नबी करीम की इस तरह ज़्यारत नहीं हुई कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया हो कि तुम खान साहब से शादी कर लो. ये बिल्कुल झूठ है, और जिसने कहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी ज़बान में इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उसने ये लफ्ज़ अदा कर दिए. ये इतनी बड़ी हस्ती हैं, वो रहमतुल आलमीन है, इनकी रहमत से करम नवाजी से घर बनते हैं, घर जुड़ते नहीं हैं. इसलिए ये मैं सबको क्लियर कर दूँ कि मुझे कोई नबी करीम ने हुक्म नहीं दिया, और ना ही मुझे ख्वाब में आके उन्होंने कहा कि खान साहब से शादी करो. આ કિસ્સા અને કહાની પાકિસ્તાનના મોટા ભાગના લોકોના મોઢે સાંભળવા મળે છે. બુશરાને બેગમ બનાવ્યા પછી ઇમરાન ખાનની જિંદગીએ 360 ડિગ્રીનો ટર્ન લીધો. મંત્રી પદ કી શપથ ઉઠાને સે પહેલે હી વઝીર આઝમ ઇમરાન ખાન ઓર ઉનકી અહલિયા બુશરા બીબી પર યે ઇલ્ઝામ લગાયા જાતા થા કે વો દમ દરૂદ કે ઝરિયે અપને શોહર કો ઇક્તદાર મે લેકર આઈ હૈ, સત્તા દિલાઈ હૈ. ઉસકે બાદ યે ભી ઇલ્ઝામ આયદ કિયા ગયા કે વો કાલા જાદૂ કરતી હૈ. કભી યે કહા ગયા કે બનીગાલા કી છત પર ढेरों मन जो है वो गोश्त देखा गया है, और कभी ये भी कहा जाता है हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से कि उन्होंने हजारों मुर्गियां सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी कि किसी तरह इमरान खान सत्ता में बचे रहे. खुद बुशराए एक इंटरव्यू में कहू हतो कि बुशराए जे कहू जे बताव्यो तेना एक एक शब्द ध्यान थी सांभळो, जेनाथी तमने बुशराना काळा जादू अने जिन कनेक्शन नु आखू सत्य समझाशे. मैं खान साहब आते हैं, खान साहब सो जाते हैं 12:30, 1:30 के करीब. उसके बाद मैं अपनी बुक्स पढ़ती रहती हूँ या कुछ इस तरह. मैं सुबह फिर सोती हूँ 5:30 या 6:00. ये आपकी ऑलमोस्ट डेली रूटीन है? जी, डेली रूटीन है. फिर उसमें पढ़ भी लिया, जिक्र भी अल्लाह का कर लिया, कोई इबादत करनी है वो भी कर लिया. फिर उसके बाद खान साहब जल्दी उठ जाते हैं 8:30-9:00. मैं थोड़ी देर तब उठती हूँ, उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं 12:00 उठती हूँ. જે ઇમરાનને લઈ તેમની પહેલી પત્નીએ આરોપો લગાવ્યા, નિયાઝીના કેરેક્ટર પર તેમની બીજી પત્નીએ કેટલીય વાર કાદવ ઉછાળ્યો, તે ઇમરાનને ત્રીજી પત્નીએ પૂરા બદલી કેવી રીતે નાખ્યા, તે સવાલ લોકોના મનમાં છે. માટે જ લોકો બ્લેક મેજિકને બુશરા સાથે જોડી રહ્યા છે. હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે, આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે. બુશરા બીવીને લઈને અલગ અલગ વાતો થઈ રહી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બુશરા બીવી જાદુ ટોણાનો સહારો લઈ ઇમરાનની ખુરશી બચાવવા મથી રહ્યા છે. બુશરાના ભૂત બંગલામાં મરઘાઓની બલી આપવામાં આવી રહી છે. શું છે બ્લેક મેજિક માટે બલીનું સત્ય? શું ઇમરાનની સત્તા બચાવવા માટે માયાવી ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું છે? ઇમરાન પર કાળા જાદુનો પડછાયો. સત્તા બચાવવા માયાવી ષડયંત્ર. બુશરાના ભૂત બંગલામાં શું ચાલી રહ્યું છે? ઇસ્લામાબાદના રાવલ લેકમાં બનેલો આ આલિશાન બંગલો જાદુ ટોણાનો અડ્ડો બનેલો છે.
आरोप छे के आ बंगला मा इमरान नी पत्नी बुशरा बीवी ए एक एवी रहस्यमय दुनिया वसावी छे जेना थी ते इमरान नी खुर्शी बचाववा मा जोतराई छे। बुशरा बीवी पर आरोप अन्य कोई ये नहीं पण विपक्ष ना नेता शाहबाज शरीफे लगाव्या छे। इमरान ना बंगला मा शू बंगला मा जीवता मरघा बाळवा मा आव्या मरघाओ नी संख्या टन मा होवानो दावो। त्यारबाद समाचार आव्या के शहबाज नो इशारो इमरान नी रहस्यमय पत्नी तरफ हतो। अफवाओ तो एवी पण उड़ी के पाकिस्तान ना प्रधानमंत्री नो बंगलो कोई सामान्य बंगलो नथी पण भूत बंगलो छे जमा बुशरा बीवी ना काला जादू नो खेल चाली रह्यो छे। कहेवामां आवी रह्यो छे के इमरान पासे 10 घर छे पण खास वात ते छे के ते हमेशा पर्दामां नजरे पड़ती पोतानी त्रीजी पत्नी बुशरा बीवी साथे आ बंगलामां ज रहे छे। खुद ने पीर बतावनारी बुशरा बीवी ने आ घर पसंद छे। इमरान ने भेट मां मळी हती जेने बनावा माटे 1 करोड़ नो खर्च करवामां आव्यो हतो। 37 एकर मां बंगलो फैलायेलो छे। नक्शा मां छेड़छाड़ ने लई इमरान पर 12 लाख नो टैक्स पण लगाववामां आव्यो। आज कारणे इमरान आ बंगलो छोड़वा मांगता हता पण अफवा उड़ी के बुशरा बीवी ना कारणे इमराने पोतानो निर्णय बदली लीधो। आवु एटला माटे थयु केम के मानवामां आवे छे के बुशरा बीवी ते इच्छता नहोता के इमरान आ बंगलो छोड़े के आ बंगलामां कोई यूनिवर्सिटी बने केम के आवु करवाथी बुशरा बीवी ना तंत्र मंत्र मां अड़चण उभी थात। बुशरा बीवी अने इमरान ना लग्न 2018 मां थया हता। त्यारबाद बुशरा बीवी ने लई पाकिस्तान मां केटलाय किस्सा वहता थया जेमा एक किस्सो हतो के बुशरा ने सपनू आव्यो हतु के जो इमरान खान ना लग्न तेनी साथे थाय तो ते प्रधानमंत्री बनी शके छे। तेना कारणे ज बुशराए पोतानाथी 22 वर्ष मोटा इमरान साथे निकाह कर्या। बुशरा बीवी ने पाकिस्तान मां पिंकी पीर पण कहेवामां आवे छे। कहेवामां आवे छे के इमरान तेने पूछ्या वगर पाणी पण नथी पीता। मानवामां आवी रह्यु छे के दरेक मोर्चे हारी गयेला इमरान ने हवे बुशरा पासे ज आशा छे। माटे बुशरा जादू टोणा करी मरघीओनी बलि आपी इमरान सरकार बचाववाना टोटका करी रही छे। इमराननी पार्टी मां बुशरानुं ते महत्व छे ते तेमना पतिनुं छे। એવું માનવામાં આવે છે કે ઇમરાન બુશરાને પૂછ્યા વિના નિર્ણય નથી લેતા। લગ્ન પહેલા ઇમરાને બુશરા બીવીનો ચહેરો જ નહોતો જોયો। ઇમરાનની ત્રીજી પત્ની બુશરા બીવીને જ્યારે પણ લોકોએ જોઈ તે બુરખામાં જ જોવા મળી। અફવાઓ ઉડી કે તે કાળો જાદુ કરે છે। એટલું જ નહીં બુશરા પાસે જે જિન્ન હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે તે જિન્નોની ભવિષ્યવાણીથી તે પોતાના નિર્ણયો લે છે। સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું। દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18।